साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता नागार्जुन फिलहाल विवादों में फंस गए हैं। दरअसल सुपरस्टार नागार्जुन के खिलाफ हैदराबाद के माधापुर पुलिस थाने में अवैध भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करी है और ये शिकायत एनजीओ जन्म कोसम मनसाक्षी फाउंडेशन के अध्यक्ष भास्कर रेड्डी द्वारा की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नागार्जुन ने अवैध तरीके से एन कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया और जिसे अगस्त में ध्वस्त किया गया, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए थी। विवादित भूमि कथित तौर पर थम्मिंडी कुंटा झील के फुल टैंक लेवल और बफर जोन के अंतर्गत आती है। देखिए, नागार्जुन और उनके फैमिली पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। हाल ही में तेलंगाना के एक मंत्री कोंडा सुरेखा ने सामंता और नागा चैतन्य को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग कोंडा के बयान से काफी हैरान है। इस मामले में हैदराबाद में नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर को हैदरा द्वारा आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया और जिससे पास के झील में अतिक्रमण का डर पैदा हो गया है।